सन 1970 में सोवियत के वैज्ञानिकों ने इस दुनिया का सबसे अजीब और सबसे हैरान कर देने वाला एक्सपेरिमेंट शुरू किया। ये एक्सपेरिमेंट था धरती के ज्यादा से ज्यादा अंदर जाने का, और इसके लिए जगह चुनी गई कोला पेनिनसुला की, और उम्मीद की गई थी कि वो सभी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए धरती के बीच तक जा पहुंचेंगे। और यकीन मानिए, उन्होंने सभी का रिकॉर्ड तोड़ डाला और उनका रिकॉर्ड आज भी कायम है। आज जब इस एक्सपेरिमेंट को कई दशक बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इसे दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में गिना जाता है। आपको मैं एक प्रोजेक्ट देता हूँ इस वीडियो को लाइक करने का, तो आप ये अपना प्रोजेक्ट प्लीज जल्दी से जल्दी पूरा कर दें। जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता गया, तो इसमें से अफवाहें, झूठ और पता नहीं क्या क्या निकला, लेकिन सच क्या था इस वीडियो में आपको पता लगेगा। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए यहाँ एक 20 मंजिला इमारत तैयार की गई, और अपने काम के समय इस इमारत में 3000 लोग या फिर वर्कर्स रहा करते थे। कमाल की बात यह है कि जो लोग इस प्रोजेक्ट में शामिल थे, वो पूरे रशिया में उस समय के सबसे महान जियोलॉजिस्ट माने जाते थे। उनको ना सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी ड्रिल चलानी आती थी, बल्कि उनको ये भी अंदाजा था कि अब और गहराई में जाने पर क्या कुछ निकल सकता है। हैरानी वाली बात यह थी कि हर रोज खुदाई का काम सूरज ढलने के बाद शुरू किया जाता। सबको पता था कि ये प्रोजेक्ट बहुत लंबा होगा। ड्रिल ने अब गड्ढा बनाना शुरू किया, और खोदते हुए ये ड्रिल पूरे 12.2 किलोमीटर की गहराई पर जा पहुंची। जी हाँ, ये इतनी बड़ी कामयाबी थी कि जितनी अमेरिका ने इंसानों को चांद पर भेजकर बनाई थी। लोग मानते थे कि अगर हम धरती के नीचे जाएंगे तो सीधा नर्क में पहुंच जाएंगे, और फिर इस गड्ढे से शैतान भी बाहर निकल सकते हैं। और इन अफवाहों ने जोर तब पकड़ा जब इस प्रोजेक्ट पर चल रहा काम 1983 में कुछ समय के लिए रोक दिया गया, जहां वैज्ञानिक ये बात शुरू से कहते आ रहे थे कि चाहे कितनी भी नीचे चले जाएं, तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा। वहीं इस प्रोजेक्ट का अंत आते आते सबसे गहरे बिंदु पर ड्रिल का तापमान 815 डिग्री सेल्सियस और धरती का तापमान लगभग 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। लोग कहते हैं कि इस ड्रिल की नोक पर एक माइक लगाया गया था, जिसने नीचे जाकर वहां मौजूद नर्क की आवाजों को रिकॉर्ड किया। असल में उस माइक द्वारा बहुत सारी चिल्लियां रिकॉर्ड की गई थी। अब जरा आप भी सुनिए कि वो क्या थी। इन्हें सुनकर वहां मौजूद सभी वैज्ञानिकों ने अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि वो ये क्या सुन रहे हैं। सभी से डर गए, और इस डर की वजह से तब साइट पर काम रोकना पड़ा। बहुत से लोगों ने इन बातों पर विश्वास नहीं किया, और सब शांत होने के बाद फिर से इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। लेकिन 1992 में इस खुदाई के काम को हमेशा के लिए रोक दिया गया, और इसके सबसे गहरे पॉइंट पर धरती का तापमान 315 डिग्री सेल्सियस था, जबकि ड्रिल का तापमान तो इससे कई गुना ज्यादा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि नीचे का तापमान इतना ज्यादा कैसे है। इस तापमान में ड्रिल चलते चलते पिघल रही थी, इसलिए अब इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में सबको डर लग रहा था। इस पूरे प्रोजेक्ट के हेड गुबरमैन आज भी इन्हीं बातों को लेकर लोगों के बीच बातें करते रहते हैं, और लोगों को इस गड्ढे के पास ले जाते हुए दिखाई देते हैं। अब यहां कमाल की बात यह है कि जैसे ही वो माइक वाली रिकॉर्डिंग बाहर निकल कर आई थी, तब सबसे पहले इस हेड को ही सबसे ज्यादा डर लगा था। वो लोगों को आज भी कहते हैं कि पागल वैज्ञानिकों ने गड्ढा खोदकर शैतान को बाहर आजाद कर दिया। खैर, अब उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, तो ऐसी बातें बोलकर उनकी टूरिस्ट लोगों से कमाई हो जाती है, लेकिन असल सच इससे बहुत ज्यादा दूर था। इस तरह से नर्क की बातें अप्रैल फूल के रूप में मजाक के साथ शुरू हुई थी, लेकिन मीडिया, जिसका काम है एक को 11 बनाकर दिखाना, उन्होंने इसका डर लोगों के मन में डाल दिया। मिर्च मसाला लगाने के लिए अमेरिकन अखबारों ने भी इसे छाप दिया, और कुछ इस तरह से ये अफवाहें पूरी दुनिया में सच बनकर फैल गई, और लोग अब इसे एक भूतिया गड्ढा मानने लगे थे। लेकिन असल में कोला बोरहोल में क्या हुआ था, और असल में वैज्ञानिकों को वहां मिला क्या था, वो सच में और भी मजेदार है। जी हाँ, यहाँ उनको एक नया विज्ञान मिला। सबसे पहले तो उनको नई तकनीक मिली जिससे वो इतनी नीचे तक जा सके। अलग तरह की चट्टाने मिली जो इतने ज्यादा तापमान में भी ठोस थी। 1979 तक आते आते इस प्रोजेक्ट ने पुराना रिकॉर्ड तोड़ डाला जो कि पहले अमेरिका के नाम था। 1983 तक ये ड्रिल 7.4 माइल्स यानी कि 12 किलोमीटर से ज्यादा की गहराई पर जा चुकी थी, और अब टाइम था जश्न मनाने का। मॉस्को ने प्रोजेक्ट सफल होने की घोषणा कर दी, और पूरी दुनिया से वैज्ञानिकों को यहाँ परिणाम देखने के लिए बुलाया। सभी वैज्ञानिकों ने नीचे मिली चट्टानों पर अध्ययन किया, और इस तरह की चट्टानें तब से पहले किसी इंसानी आंखों द्वारा नहीं देखी गई थी। पूरी दुनिया ये जानना चाहती थी, और इसी तरह का काम करते हुए इस प्रोजेक्ट को पूरे एक साल के लिए रोक दिया गया। लेकिन यहीं से गलतियों की शुरुआत हुई। जब 1984 में फिर से ड्रिलिंग शुरू की गई, तब आपदा इनके आसपास घूम रही थी। असल में एक 7 किलोमीटर लंबी ट्यूब उस ड्रिल के सहारे लगाई गई थी, ताकि अगर ये प्रोजेक्ट बंद हो जाए तो भी पूरी ड्रिल लुब्रिकेटेड रहे। लेकिन बदकिस्मती से एक साल के अंतराल में ये ट्यूब अंदर ही मुड़ गई। पूरे 5 सालों की मेहनत एक झटके में गुम हो गई। सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था कि ड्रिल फिर से शुरू की जाए।
और फिर वैज्ञानिकों ने इस गड्ढे के बराबर में एक और गड्ढा खोदना शुरू किया और इसमें फिर से कई सालों का समय लगा। सन 1989 में लोगों ने फिर से 12 किलोमीटर वाला आंकड़ा पार कर लिया। अपने सबसे गहरे बिंदु पर इस गड्ढे की गहराई 7.62 माइल्स यानी कि 12.2 किलोमीटर की थी। अब फिर से आगे का अध्ययन शुरू किया गया और अब की बार ये गड्ढा एक टाइम मशीन बनकर सामने आया, क्योंकि इतनी गहराई पर जाने के बाद ये गड्ढा धरती के वो हाल बता रहा था जैसी ये धरती कई बिलियन सालों पहले थी। हमारी धरती जब बनी थी तब ये कैसी थी और कैसे इस पर जीवन आया? जो डाटा कोला से निकलकर सामने आया उसने पहली पढ़ी गई पूरी जियोलॉजी पर सवाल उठा दिए। हम सबको पता है कि हमारी धरती कई परतों से बनी हुई है, ऐसी ही एक परत पानी है, लेकिन इतनी गहराई पर जाने के बाद हमें वहाँ ग्रेनाइट और बेसाल्ट के अलावा पानी की भी कई परतें मिली। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये पानी यहाँ कहाँ से आ रहा है, तो जांच करने पर पता चला कि ये पानी यहाँ डीप क्रस्ट मिनरल से आ रहा है और ये यहाँ पिछले करोड़ों सालों से ऐसे ही पड़ा है। लेकिन इसके ऊपर मौजूद चट्टान इतनी मोटी और मजबूत है कि हम उसे कभी बाहर नहीं निकाल पाएंगे। जब उन चट्टानों की उम्र पता लगाने की कोशिश की गई तो ये सामने आया कि ये चट्टानें कम से कम 2 बिलियन साल पुरानी थी। कमाल की बात यह थी कि इन चट्टानों पर प्लैंकटन के अवशेष भी पाए गए जो कि इन चट्टानों पर किसी समय रहा करते थे। इसे ये तो कन्फर्म हो गया था कि धरती पर जीवन 2 बिलियन सालों से भी पहले आ चुका था। कमाल की बात यह भी थी कि इस काम में वैज्ञानिकों को धरती के नीचे हाइड्रोजन की बहुत भारी मात्रा मिली। जिन लोगों ने उस कीचड़ को देखा था जो गड्ढे से निकल रहा था, उन्होंने बताया कि वो कीचड़ हाइड्रोजन के साथ उबलता हुआ बाहर आ रहा था। 5.6 माइल्स नीचे जाने पर वैज्ञानिकों को वहां बहुत भयंकर मात्रा में डायमंड्स मिले जो कि पिछले अरबों सालों से ऐसे ही धरती के अंदर पड़े हुए थे। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि अब जल्दी ही उनको यहाँ शायद सोने की भी एक मोटी परत मिल सकती है, लेकिन वैज्ञानिकों की सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी लूनार चट्टान में, क्योंकि जो चट्टाने चांद से लाई गई थी सेम वैसी ही चट्टाने इस गड्ढे से 6 मील की गहराई से बाहर निकाली गई। इससे ये भी सिद्ध हो चुका था कि चांद एक समय पर धरती का ही हिस्सा हुआ करता था। तब एक बहुत बड़ी चट्टान का हमला अंतरिक्ष से धरती पर हुआ जिसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि धरती का एक बहुत बड़ा हिस्सा धरती से अलग हो गया और वही हिस्सा आगे चलकर चांद बना और जल्दी ही दोनों ने अपनी वही गोलाकार शेप हासिल कर ली। तो क्या इस बात की संभावना है कि चांद वाली चट्टान पूरी धरती में फैली हुई है या फिर वो चट्टान सिर्फ कोला पेनिनसुला में मौजूद है? खैर, इस बात का पता वैज्ञानिक फिर कभी लगाएंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस गड्ढे की खुदाई रोकी क्यों गई? मैंने आपको तापमान वाली दिक्कत के बारे में पहले ही बता दिया है, लेकिन क्या उन्होंने कोई और गड्ढा बनाने की कोशिश करी है? तो इसका जवाब था ना। इस प्रोजेक्ट को बंद करने का कारण यही था कि वैज्ञानिकों को अपने सभी सवालों के जवाब मिल चुके थे। वैसे भी रशिया हर मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ना चाह रहा था, जिसमें वो सफल भी रहा, और ना ही अब वैज्ञानिकों को किसी चट्टान के सैंपल चाहिए थे। निकाले गए हर सैंपल को सुरक्षित स्टोर करके रख लिया गया था। कोला से हमें बहुत सारी जानकारियां मिली जिनके बारे में वैज्ञानिकों ने कभी सुना भी नहीं था। इसमें ये भी पता चला कि हमारी धरती पहले कैसी थी। खैर, इतना होने के बाद सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर पैसा लगाना बंद कर दिया और सभी वर्कर्स अपने घर लौट आए। आज भी वो बिल्डिंग इस गड्ढे के पास खड़ी है जिसमें लोग या वर्कर्स यहां रहा करते थे। यहां आपको गूबरमैन कई बार घूमते हुए दिख जाएंगे, वो लोगों को यहां घुमाने आते हैं। खैर, आज भी वो ये मानते हैं कि इस प्रोजेक्ट को बहुत जल्दी बंद कर दिया गया, अगर हम और नीचे जाते तो और भी कई सीक्रेट्स हमें पता लग सकते थे। खैर, देखते हैं अब रशिया का ये रिकॉर्ड कोई और कभी तोड़ेगा या नहीं, या क्या पता रशिया ही तोड़ दे। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट फर्स्ट एड गेमिंग को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को भी सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।